हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास का जो परिचय है उसे समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो इतिहास की श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें इतिहास जो है वो आपका एक तो इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सीजेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजेट में पेपर टू अगर आपका एसएसटी है यानी सामाजिक विज्ञान है, वह आपको ये विषय जो है भरपूर सहायता करने वाला है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको इतिहास विषय वस्तु जो है वो पाठ्यक्रम में है, तो आपके लिए भी यह कक्षा जो है बेहद ही मददगार साबित होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इतिहास जो है, इतिहास के परिचय को देखने का कोशिश करेंगे। इतिहास जो है वो है क्या, इतिहास को समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा इतिहास जो है वो एक विषय का नाम है, और इतिहास को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों, इतिहास को प्यार से हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्ट्री। तो इतिहास को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है, सर इतिहास कहते किसे? देखिए, इतिहास का एक कॉमन सा साधारण सा परिभाषा है कि अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। दोस्तों, आपको बता दें, इतिहास जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना है? तो दो शब्दों के मेल से या दो शब्दों के योग से बना है। पहला जो शब्द है वो तो इति है, और दूसरा शब्द कौन सा है दोस्तों? हास। यानी इति प्लस हास बराबर होता है इतिहास। तो इतिहास जो है वो किन दो शब्दों के मेल से बना? तो आप कहेगा इति धन आस बराबर इतिहास। इति धन हास बराबर क्या होता है? इतिहास। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इति मतलब क्या होता है सर? देखिए दोस्तों, इति का मतलब जो होता है, इति मतलब होता है प्राचीन। आपको पता होगा, अच्छा, जो स्टूडेंट यहाँ हिंदी से अगर आप जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं तो वह हिंदी भी तो आता है। यहाँ आपको हम विषय से जोड़ते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर प्राचीन का विलोम शब्द आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? नवीन। नवीन मतलब क्या होता है? नया। ठीक उसी प्रकार से प्राचीन जो है, प्राचीन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? पुराना। तो इति मतलब प्राचीन कहिए या पुराना कहिए, और हास का मतलब क्या होता है दोस्तों? हास मतलब होता है कहानी। कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं? किस्सा बोलते हैं या कथा बोलते हैं। मतलब इतिहास कहानी या किस्सा का विषय है, जिसमें तिथि क्रम के हिसाब से डेट वाइज हम लोग क्या करते हैं? पुराने पुराने कहानियों का क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। और आपको इतिहास का यदि परिभाषा लिखना हो तो आप परिभाषा जो है दोस्तों खुद बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? तो आप कहेगा इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हास, जिसमें इति का अर्थ पुराना या प्राचीन होता है, हास का मतलब कहानी या कथा होता है। अर्थात वैसा विषय, क्या कहेंगे दोस्तों? अर्थात वैसा विषय जिसमें क्या करते हैं दोस्तों? जिसमें प्राचीन कहानियों के बारे में, जिसमें प्राचीन कहानियों का क्या किया जाता हो? अध्ययन किया जाता हो। जिसमें प्राचीन कहानियों का अध्ययन किया जाता हो। अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इतिहास किसे कहते हैं? तो वैसा विषय जिसमें प्राचीन कहानियों का क्या किया जाता हो दोस्तों? अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि इतिहास तो समझ गया, प्राचीन कहानियों का अध्ययन जो है वही क्या है दोस्तों? इतिहास। अब क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आता है कि इतिहास जो है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक जो है वो किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों, इतिहास जो है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, इतिहास विषय का जो जनक, जनक को हम लोग क्या बोलते हैं? पिता। तो इतिहास का जनक या पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। इतिहास का पिता या जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। आपसे पूछ ले फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो भी आपका जवाब हेरोडोटस ही होगा। अभी तक आपको क्या बताया दोस्तों? इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना? दो शब्दों के मेल से बना। कौन कौन? इति प्लस हास बराबर क्या होता है? इतिहास।
इति मतलब प्राचीन, हास मतलब कहानी या कथा, अर्थात वैसा विषय जिसमें प्राचीन कहानियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इतिहास कहते हैं। और इतिहास विषय का जनक या पिता या फादर कौन है, तो हेरोडोटस। आइए दोस्तों इससे आगे की चर्चा करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इतिहास जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास का वर्गीकरण बताइए। देखिए दोस्तों इतिहास जो है, इतिहास का अगर वर्गीकरण किया जाए, इतिहास का क्या बोलना है दोस्तों, वर्गीकरण, तो इतिहास को हम लोग जो पढ़ते हैं तो इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, हम लोग जब भारत के संदर्भ में भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जो है वो तीन भागों में किया गया है दोस्तों। अध्ययन की सरलता हेतु समझ लीजिए, या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि काल के हिसाब से, किसके हिसाब से, काल के दृष्टिकोण से। काल का मतलब क्या होता है, समय के हिसाब से। इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तीन भागों में किया गया। सबसे पहला को बोलते हैं दोस्तों प्राचीन काल, कौन सा काल, प्राचीन काल। और दूसरा का नाम क्या है दोस्तों, मध्यकाल। तीसरा जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो है आधुनिक काल। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और कौन सा काल, आधुनिक काल। ये इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये किसके हिसाब से था, काल यानी समय के हिसाब से था। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब जैसे इतना पीरियड तक प्राचीन काल है और उसके कल होकर ही मध्यकाल आ जाएगा, या मध्यकाल इतना तक है उसके जस्ट कल होकर के रात में सोए तो मध्यकाल था, सवेरा में उठे तो प्राचीन काल हो गया, या मध्यकाल था फिर आधुनिक काल हो गया। ये एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर इतिहास में अगर पुराना पुराना प्राचीन प्राचीन कहानियों का अध्ययन करते हैं तो फिर हम जो काम किए वो भी तो मेरा प्राचीन कहानी है, पुराना कहानी है, क्या उसका अध्ययन भी इतिहास में किया जाएगा। नहीं दोस्तों, इतिहास में उन विषय वस्तु को शामिल किया जाता है जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों के जीवन को क्या किया हो, प्रभावित किया हो, चाहे लोगों का सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, इन सभी को बड़े पैमाने पर यदि प्रभावित किया होगा तब उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम लोग इतिहास के विषय वस्तु में करते हैं। आइए दोस्तों आगे आपके बताते हैं कि इतिहास जो है वो काल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए लिपि के आधार पर, किसके आधार पर पूछ रहे हैं दोस्तों, लिपि, लिपि का मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, अभी बताते हैं क्या होता है लिपि। तो लिपि के आधार पर अगर देखा जाए कि लिपि के आधार पर अगर इतिहास का वर्गीकरण कीजिएगा तो इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, लिपि के आधार पर किसका वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण। लिपि के आधार पर दोस्तों इतिहास का जो वर्गीकरण है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया दोस्तों, इसको इधर कर लेते हैं इरेज, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी जो है बन जाएगा। लिपि के आधार पर दोस्तों इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है, देखिए लिपि के आधार पर जो इतिहास का वर्गीकरण है दोस्तों वो तीन भाग में किया गया है। किसके आधार पर दोस्तों, लिपि के आधार पर जो इतिहास का वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया, याद रखेंगे दोस्तों तीन भाग में किया गया। कितने भागों में किया गया, तीन भागों में। तीनों का पहले नाम देखिए दोस्तों, सबसे पहला नाम जो है वो कौन सा है, सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, या इसी को प्रागैतिहासिक काल भी बोल देते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा कौन सा है, दूसरा को बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो है दोस्तों वो थोड़ा सा आपको तो बताते हैं वो तीसरा कौन सा है, जरा गौर से देखिए दोस्तों, वो जो आपका तीसरा है दोस्तों वो कौन सा है, तीसरा जो है दोस्तों वो कौन सा है। देखिए तीसरा का जो नाम है दोस्तों, देखिए तीसरा जो है दोस्तों वो तीसरा आपका है आधुनिक काल, सॉरी लिपि के आधार पर देख रहे हैं ना, तो यहां तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, देखिए लिपि के आधार पर इतिहास के विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला कौन सा बोले, पहला बोले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब सभी के परिभाषाओं को समझना है दोस्तों, सभी के अर्थों को समझना है। आपको इतिहास से बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम आपको इतिहास जीना सिखला देंगे। इतिहास आपके रग रग में समा जाएगा। यदि कोई आपके नस को भी काटेगा, यदि आप नस को भी काटिएगा, उसमें से खून नहीं इतिहास निकलेगा। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जो है वो किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक, आप एक कहानी सुनिए दोस्तों। एक कहानी के द्वारा हम आपको तीनों काल का जो परिभाषा है वो समझा देंगे। बस आप कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब एक छोटा सा बालक का जन्म होता है तो क्या छोटा सा बालक को कुछ भी लिखने आता है, क्या उसको लिखने का ज्ञान होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं होता है। तो मान लीजिए छोटे बच्चे का जन्म हुआ, उसे तो कुछ लिखने का ज्ञान नहीं रहेगा। जब उसको लिखने का ज्ञान नहीं होगा तो उसके द्वारा लिखा हुआ कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही बालक थोड़ा सा स्याना हुआ, स्कूल में पढ़ने जाने लगा, उसको थोड़ा सा लिखने का ज्ञान हुआ, मैम जो है वो स्कूल में ऐसे बोली बेटा ऐसे क लिख, और वो बालक क को ऐसे ना लिख के ऐसे ऐसे कुछ भी लिख रहा है। एक दिन वो बालक घर आया, उनके पिताजी जो है दरवाजे पे बैठे थे। उनके पिताजी का जो मूंछ था वो बहुत बड़ा बड़ा था। उनके पिताजी बोले चल बेटा इधर आ, क लिख के दिखा। और वो बालक ठीक इसी प्रकार से ऐसे ऐसे क लिख दिया कचर के पूरा जो है। उनके पिताजी उनको एक तमाशा लगाए, बोले ये क्या लिखा है? अब सिंपल सा बात है कि क्या लिखा है, आप खुद सोचिए ये क्या लिखा, आप इसको पढ़ पाइएगा क्या? नहीं पढ़ पाइएगा। बालक को तो अपने हिसाब से बालक ने लिख लिया, लेकिन बालक क्या लिखा वो न तो हम पढ़ पाएंगे न आप पढ़ पाइएगा। लेकिन बालक तो अपने हिसाब से लिखा। फिर बालक पढ़ता रहा पढ़ता रहा। बहुत पढ़ लेने के बाद जब उसको बालक को बुलाया गया बाद में दो साल के बाद, तो बालक को बोला बेटा क लिख, तो क क्या, वो क से कबूतर भी लिख लेगा, ख से खरगोश भी लिख लिया। कहीं ना कहीं अब जो वो कबूतर ऐसे लिखेगा कबूतर, तो आप भी ऐसे पढ़ लीजिएगा कि ओ ये तो कबूतर लिखा है। पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो यहाँ तीन स्टेप आप देखे हुएगा। एक जो पहला स्टेप आपने देखा, वो पहला स्टेप तो वो था जब बालक को कुछ भी लिखने नहीं आता था। दूसरा स्टेप में बालक को लिखने तो आ गया, लेकिन क्या लिखा वो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और तीसरा स्टेप देखें कि बालक को लिखने भी आ गया, बालक जो लिखा उसे हम आसानी से पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मानव का विकास हुआ, जब मानव का विकास हुआ तो मानव को पहले, आपको पता होगा पहले मानव आदि मानव था, वो घुमंतु जीवन जीता था, कंद मूंद फल खाता था, उन्हें तो किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था। तो उन्हें लिखने का ज्ञान कहाँ से रहता? मानव जो है निर्वस्त्र रहता था, कच्चा मांस खाता था, ये सब आप आदि मानव की कहानी में तो पढ़े ही होइएगा। दोस्तों वैसे स्थिति में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि मानव को लिखने का ज्ञान रहा होगा, अर्थात मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था। जिस समय मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था उस काल को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था, अर्थात उस समय का लिखा हुआ आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस काल का लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण नहीं मिलता उस काल को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का लिखित साक्ष्य मिला, मतलब मानव को बाद में मानव का विकास हुआ, मानव को लिखने आ गया, मानव को जो लगा वो अपना दीवार पे कैसे भी करके अभिलेखों के द्वारा लिखा, लेकिन क्या लिखा वो अभी तक मिला तो है लेकिन उसे विद्वानों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका, तब उसको बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। और बहुत सारा बाद में जब मानव का विकास हुआ तो मानव के द्वारा ही वेद लिखा गया, रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, और उसे हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। उस काल को कहा गया कौन सा काल, ऐतिहासिक काल। दोस्तों उस कहानी के द्वारा आपके समझ में तो आया होगा कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे। देखिए दोस्तों परिभाषा देखिए, परिभाषा से आपके समझ में आ जाएगा क्या होता है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का लिखित साक्ष्य न हो, जिस काल का मतलब समझ रहे हैं, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य न हो, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो उस काल को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। आप सोचेंगे क्यों लिखित साक्ष्य नहीं, क्योंकि उस काल में मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था।
जिस काल में मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था उस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा और उस काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो आप सोचिए उस काल का अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे। उस काल में प्रागैतिहासिक काल में जिस वस्तु का वो लोग उपयोग करते थे उस वस्तु के द्वारा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि मानव जो है वो क्या करता था। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कुछ खिलौना मिल गया तो खिलौना से आइडिया लग गया कि वो ये लोग जैसे बैलगाड़ी का खिलौना मिला तो बैलगाड़ी का उपयोग ये लोग करते थे। कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, बस जो वस्तुएं मिली, जो पुरातत्व मिला, हड्डी मिला, सिक्का मिला, अभिलेख मिला, अभिलेख तो मिलेगा नहीं, हड्डी सिक्का या जो कुछ भी वस्तुएं वगैरह मिली उन सभी के आधार पे हम लोग क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। या इतिहासकार लोग जो है उनके उपयोग उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं से उन तक पहुंच पाते हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो कौन सा काल है, अर्ध ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल तो समझ गए ना, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य ना हो। क्यों नहीं होगा लिखित साक्ष्य, साक्ष्य मतलब क्या होता है दोस्तों, सबूत। जैसे मान लीजिए आप कहिएगा किसी ने हमको मारा है, अब आपको किसने मारा उसका जब तक कोई साक्ष्य नहीं होगा, कोई प्रमाण या सबूत नहीं होगा तब तक आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार से प्रागैतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य नहीं होता है। फिर अर्ध ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, जिस काल का क्या हो, जिस काल का लिखित साक्ष्य हो, जिस काल का लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है, तो लिखित साक्ष्य तो मिला है, यानी लिखित साक्ष्य हो, जिस काल का लिखित साक्ष्य, जिस काल का लिखित साक्ष्य तो हो परंतु उसको क्या ना किया जा सके, परंतु उसे पढ़ा ना जा सके, उसे पढ़ा ना गया हो या पढ़ा ना जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका, क्योंकि उसकी जो लिपि है वो कहीं ना कहीं जटिल है। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के बारे में देखते होइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता की जो लिपि है वो मिला है, वहाँ के लोगों को लिखने का ज्ञान था, लेकिन वो लोग क्या लिखें उसे अभी तक इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता में ही रखते हैं दोस्तों। आइए तो जिस काल का लिखित साक्ष्य तो हो परंतु उसे पढ़ा ना जा सके उस काल को बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का लिखित साक्ष्य भी हो और उसे पढ़ा भी जा सके। जिस काल का लिखित साक्ष्य भी हो, जिस काल का लिखित साक्ष्य भी हो, जिस काल का लिखित साक्ष्य भी हो एवं उसे क्या किया जा सके, एवं उसे पढ़ा भी जा सका, एवं पढ़ा भी जा सके। जिस काल का लिखित साक्ष्य हो एवं पढ़ा भी जा सके उस काल को बोलते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। जैसे आप सोच कर देखिए वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, चार वेद, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, पुराणों की 18 पुराणों का रचना हुआ, महाभारत का रचना हुआ, इत्यादि ग्रंथ को हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो वो सब किस काल में आएगा दोस्तों, ऐतिहासिक काल में आएगा। आपको क्या बताएं दोस्तों, देखिए आपको बताएं कि आपका जो कहीं ना कहीं लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहेंगे, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो अर्थात व्यक्ति को लिखने का ज्ञान नहीं था उस काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि उस काल का लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा बताएं अर्ध ऐतिहासिक काल किस काल को कहेंगे, जिस काल का लिखित साक्ष्य तो हो परंतु उसे पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल, जिस काल का लिखित साक्ष्य भी हो एवं उसे पढ़ा भी जा सके उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। दोस्तों सामान्य सा जो इतिहास का परिचय है वो आप लोगों के समझ हम जो है प्रस्तुत किए, इससे आगे जो है आप लोगों के समझ जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है उससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्यात्मक जानकारी। पहले जैसे पुरातत्व क्या होता है, फिर आपको बता दें पुरातत्वविद क्या है, कार्बन 14 पत्ती जिसको तिथि निर्धारण विधि कहते हैं, जैसे कोई हड्डी मिला, हड्डी कितना पुराना है, उस सब का तिथि क्रम की जानकारी जो है वो कैसे मिलता है, इत्यादि मुद्दों पर चर्चा करते हुए फिर आप लोगों के बीच हड़प्पा की सभ्यता की जो कहानी है उन सभी को जो है आगे बताते हुए फिर आप लोगों का पूरा इतिहास जो है वो समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जैसे जैसे वीडियो उपलब्ध होता रहे आप लोग जो है देखते रहिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ थोड़ा सा इसका जो है एक बार नोट्स भी बनाते रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।